हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और कमेंट करके भी बताना, जो भी बात है आप अपनी भी बात रखा करो, या जो भी कुछ आपको पूछना है आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कॉमेंट किया करो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों ने सचिन का लाइव देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें सभी लोग थे। अब यदि वो सभी लोग अपने घर में उनके आए हैं, खाना पीना वो खुद से कर लेंगे, उन्हें करना होगा तो वो खुद खाना पीना अपना कर लेंगे, उसमें किसी दूसरे को क्या परेशानी होना, या हम जैसों को क्या परेशानी होना। उनका घर, उनके घर पे दोस्त यार आए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको क्या जलन हो रही। यदि वो सारे दोस्त मिलके लाइव आ गए तो उससे क्या परेशानी है। लाइव वाली दीदी को हर चीज़ से परेशानी है, या पीछे जो जगह दीदी हैं वो डायरेक्ट आके नहीं बोल पा रही ऑन कैमरा, तो वो शायद उनको परेशान कर रही, या लाइव वाली दीदी के भी उसमें कुछ जायसवाल जी हैं, वो कहती हैं भैया जी, तो उनसे प्रॉब्लम हो, किससे प्रॉब्लम है कुछ नहीं पता, मतलब उनका वो तो बोलती हैं, खैर उनसे तो उनको प्रॉब्लम है ही, वो तो सब चीज़ पता ही है। लेकिन यदि उन्होंने आके बोल दिया, उन्होंने कल के लाइव में ऐसा कुछ भी नहीं बोला, जो भी बोला सब पॉजिटिव वे में बोला, और स्पेशली उन्होंने सुमित भैया को थैंक यू बोला, तो सुमित भैया को थैंक यू बोला तो सुमित नाम से अब आपको क्या प्रॉब्लम। जब आपका उनसे रिश्ता टूट गया, या कुछ भी आपका मतलब उनसे सब कुछ हो ही गया अलग, तो अब सुमित का अगर वो नाम ले रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही। अब जब आप अपनी साइड मूव ऑन करो, वो अपनी साइड मूव ऑन करें, आप पता नहीं आपके दिमाग में सिर्फ निगेटिव थॉट्स ही चलते रहते हैं, इसलिए आप परेशान हो। आज आप यहाँ तक आप परेशान हो क्योंकि निगेटिव थॉट्स की वजह से आप परेशान हो। अगर उनने उसमें ये बोला कि सुमित ने मेरा साथ दिया, तो सुमित ने उनका साथ दिया। सब लोग कह रहे हैं, अब वो उनकी लाइव वाली दीदी कह रही पहले ये बताओ किस चीज़ में साथ दिया। अरे कोई क्या बताए, ये वाली बात तो सुमित ने, ये तो पता है, ऐसा तो बोला नहीं होगा कि तुम ऐसा कर दो, तुमने क्या किया। सुमित ने सिर्फ ये बात हमको पता है, सुमित ने सिर्फ ये बोला था कि तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं तुम रखो। जब सामने वाला बंदा उसको कॉल करके बोलेगा मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, तीन बार उसने बोला है कि मैं तीन बार इस चीज़ से बाहर निकला हूँ, तो सामने वाला बंदा ये भी तो यही कहेगा कि देखो सबको पता था कि सचिन और नेहा बहन भाई का रिश्ता है, ये तो सबको पता था, लेकिन ये अफेयर का नहीं पता था ना सबको, कुछ लोगों को पता था कुछ को नहीं। तो सुमित जी तो जानते थे कि सचिन ये बंदा है, तो सुमित जी ने बोला कि तुम अपना पॉइंट रखो। सुमित ने इतनी ही बात तो बोली ना, जब कोई बंदा आपसे बोलेगा, धमकी देगा या कुछ गलत कर ले, तो सुमित तो यही बोलेंगे भैया जो तुम्हारी बात हो तुम रखो, क्योंकि सामने वाला बंदा भी तो चाहेगा कि भैया इनका क्या है, वो बात निकल के आए, वो सुमित क्यों मना करता। तो सुमित ने ये साथ दिया, अब आप बोलो कि सुमित ने और कुछ चीज़ों में साथ दिया, या सुमित को ये रिश्ता नहीं रखना था, अगर नहीं रखना होता तो वो यहाँ तक नहीं आता। तो पता नहीं दीदी आप तो इस कंट्रोवर्सी को क्लोज ना करके आप उसको बढ़ा रही हैं। अब उनके घर में जैसे ही पूजा पाठ हो गई, अब वो थोड़ा माहौल चेंज हो गया, तो अब आप फिर से आ गई एक धमकी के साथ, मैं ये लेके आऊँगी, मैं वो लेके आऊँगी, सामने वाली दीदी ऐसा करेगी वैसा करेगी, अरे तुमने उसको देखा नहीं वो किस कंडीशन में थी। तो सुमित सचिन ने भी तो भाई किया, मान लो खुदा ना खास्ता सचिन कुछ कर लेता तो मनीषा का क्या होता। जैसे आप बता रहे हैं कि जगत दीदी ऐसा कुछ करने वाली थी, जगत दीदी ने खुद क्लियरली अपनी वीडियो में बोला था कि मैं इन लोगों के चक्कर में कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इतना कमजोर मत समझना मुझे, सिंगल मदर हूँ लेकिन सब कुछ कर लूंगी। आप उनका पुराना वीडियो जाके खुद देख लिए कि जी सुसाइड तो कभी सोचना भी नहीं, अकेले सब कुछ कर लूंगी, मुझे कमजोर मत समझना। तो जब भी उनकी बेटी थी, आज भी उनकी बेटी है, और ऐसा कदम वो क्यों उठाती। उनके कल भाई ने बोला अरे बहन के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, चाहे अच्छा करे बहन चाहे बुरा करे। आप जिस तरीके से जगत दीदी के लिए बिल्कुल प्रॉपर खड़ी हो हर एक चीज़ में, कि वो फिर से उसी मतलब कंडीशन में पहुँच गई जिस कंडीशन में थी, वो वीडियो कॉलिंग पे ना कोने में जाके बैठ जा रही, तो देखो ये सब चीज़ें निकलने में टाइम लगता है, टाइम लगेगा, क्योंकि और ये वाला काम ऐसा है ना जो शर्मिंदगी वाला है, हर कोई ना इसमें एक लेडीज को ही थूकेगा कि तुम इतनी बड़ी थी, छोटी तो थी नहीं, कि तुमने ऐसा काम किया, तो शर्मिंदगी महसूस होगी, वो तो अभी आपसे बात भी नहीं कर पाएंगी, आपसे जो वो बात कर रही वो शर्मिंदगी में कर रही, बाकी अपने दोस्त यारों किसी से भी इतनी जल्दी निगाह नहीं मिला पाएंगी जितनी जल्दी आप सोच रही हो, है ना, इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। तो आप सचिन की भी तो कंडीशन देखो कि वो भी कितना दुबला पतला सा हो गया, उसके चेहरे को भी तो देखो, मनीषा को भी तो देखो, हैं
अब आपको कुछ नहीं मिला तो बेचारे वो सुमित महल का क्या है, सुमित महल को तो बख्श दो, बेचारे वो सीधे साधारण आदमी हैं, वो उनके जितनी भी मतलब उनके लिए शब्द है ना वो कम है, क्योंकि वो जिस तरीके से उनके संस्कार दिख रहे फोटो वीडियो या किसी का फेस देख के भी समझ में आ जाता है, वो जो सिंपल साधारण सी फैमिली है अब उसको तो बख्श दो, अब उनके लिए नहीं छोड़ोगे क्या, अब उनके ऊपर टॉन्टिंग बाजी या उनके ऊपर लीगल एक्शन चलेंगे क्या। सुमित महल को छोड़ दो, उन्होंने ऐसा सचिन के संग मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ ये बोला था ठीक है तुम्हारा जो भी बात हो तुम अपना पॉइंट रख दो, उनको क्या पता था कि तुम सोशल मीडिया पर रखोगे कि ऑफलाइन सॉल्व करोगे कि किसी के बीच में सॉल्व करोगे, सामने वाले पर्सन को क्या पता है। सामने वाले पर्सन ने तो सुमित महल ने बोल दिया, सचिन ने लाके सीधा सोशल मीडिया पर रख दिया, सोशल मीडिया पर सचिन ने ये बोला, आपने दो बोला, आपने दो बोला, सचिन ने चार बोला, तो ऐसा सब ड्रामा रहा है ना। अब सुमित महल के लिए यार एक बात बताओ, आप लाइव वाली दीदी, अगर जगत दीदी इतनी सही होती जितना आप बता रही हो, हम इस चीज़ से नहीं कह रहे कि जगत दीदी हमें जी अफेयर के चक्कर में गंदी लगी या खराब लगी, हम ये बात नहीं कह रहे, हम तो ये बात तो इसमें तो दोनों की गलती है, लेकिन हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगी जिसमें जैसिका जी भी निकल के आई, उन्होंने जो बात रखी वो सच में यार बहुत दुख हुआ कि ऐसा भी होते हैं लोग, तो हमें उससे ज़्यादा हर्ट हुआ, सरिता जी की बातों से हुआ, और भी जो क्रिएटर बाद में निकल गया, नीतू मेहना भी आई, तो उन लोगों की बातें हमें दिल में लगी हैं, ना कि हमें सचिन की बातों और नेहा के अफेयर से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें एक की गलती थी नहीं थी तो दोनों की गलती थी, तो इस बात से हमें इतनी नाराज़गी नहीं है जितनी हमें जो हमने बातें पुरानी सुनी जैसिका जी वाली, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लगा कि यार ऐसा भी होता है, और सब लोगों ने बताया सच में हमें दबा के रखती थी धमका के, तो वो सारी चीज़ें बेकार। अब आप बोल रहे हैं कि सुमित महल ने शादी तोड़ दी, उसको हम मनाएंगे करेंगे ऐसा वैसा, तो आप ये सोच रही हो कि अगर हम किसी के मनाने से, अरे उसमें भी तो थोड़ा अकल होगा, दिमाग होगा, उन्होंने फैसला लिया होगा, कुछ सोच समझ के लिया होगा, और अगर वो सचिन के बहकावे में आ जाते या सचिन के बहकावे से वो शादी तोड़ देता क्या, नहीं तोड़ता ना, उसे भी तो कुछ लगता कि नहीं चलो अच्छा जी मैटर हुआ था जिस दिन, उस दिन से नया जगत दीदी ने बात की थी क्या सुमित जी से, या कुछ समझाया था उनको, उनका तो यही होगा ना सामने वाला कॉल करेगा, क्योंकि उनके पास तो 36 हो जाएंगे, ऐसा उनके भाई ने बोला था, तो बस सामने वाले ने भी तो इंतज़ार किया था दूसरे पक्ष का, दूसरा पक्ष उनको कुछ मिला ही नहीं, रोता हुआ दूसरा पक्ष आया था, और वो भी लाइव वाली दीदी, आपका ही कहना होगा कि तुम तो एक बार ऐसे जाओ अपनी आप जनता तुम्हारे साइड आ जाएगी, और सच में कुछ जनता पहुंच भी गई है सिर्फ रोने से देख के, हम भी पिघले थे, लेकिन हम ऐसे नहीं कि सच के साथ खड़े हैं, झूठ के साथ नहीं खड़े, जो हम देख रहे अपनी आंखों से उसके साथ खड़े हैं, रोने से तो आज हम भी रोएंगे तो दुख सामने वाले को होगा, क्योंकि इस तरीके से जो बेइज्जती हुई है वो बर्दाश्त तो नहीं होगी, तो आप उस टाइम पे भी आप थोड़ा सा सोच लेती कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, एक बच्ची का मुंह देखती, आज सब लोग कह रहे हैं ना कि आज बच्ची का मुंह देखो, लाइव वाली दीदी सबसे ज्यादा बच्ची का मुंह देखो, उसका मुंह देखो, तो उसका मुंह उसकी माँ को देखना था पहले, हम सब तो ऑडियंस देख ही रहे, हम तो उसी बच्ची की वजह से सब छुप हो गए ना, और सब शांत है कि भैया उसके पीछे एक बच्ची है, तो बच्ची के पीछे उन्हें भी देखना, तो बच्ची के लिए ही अभी भी उनकी हर एक वीडियो में ही रहता, मैं सब अपनी ताशी के लिए कर रही हूँ, अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ, जो भी है बच्ची के पूरे सपने करना है, बच्ची के लिए लड़ूंगी, उसी के लिए खड़ी रहूंगी, है ना। कौन किसी का अच्छा नहीं चाहता, सब लोग चाहते ना, हम लोग तो शादी टूटने का भी यही सोच रहे थे कि शादी हो जाए ना टूटे ना टूटे, लेकिन नहीं, हरकतें भी इतना थोड़ी बहुत नहीं थी, अगर सचिन अकेला बोलता तो भी सुमित शादी नहीं तोड़ते, लेकिन जब इतने सारे क्रिएटर निकल के आए ना, तभी उन लोगों ने उनकी फैमिली ने फैसला लिया होगा कि अभी हम बच गए, शायद हमें भगवान ने कोई रास्ता दिखाया है, अभी शादी तो हुई नहीं थी, शादी हो जाती फिर तो भैया रहना ही रहना पड़ता है ना, तो यही है मतलब, अब सुमित को टारगेट किया जा रहा है, अब उसके ऊपर टॉपिक चलेगा, और अब सचिन को फिर टुच्ची किया जाएगा कि तुम बातें निकालो, क्योंकि अब थोड़ा सा माहौल बदलने को हो रहा, लेकिन नहीं, अब किसी को शांति नहीं है, फिर से वही टॉपिक स्टार्ट हो गया, फिर से वही चलना है सब कुछ, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाएंगे, तुम्हारे प्रूफ रखेंगे, अब फिर प्रूफ वाली बात होने लगी, अब कौन सी प्रूफ रखना है आपको, रख लो ना, अब आप एक साइड रख तो लो प्रूफ, बात खत्म हो जाए, आप फिर से वही प्रूफ लेके आ गई कि तुम्हारे सब एक एक प्रूफ रखेंगे, तुम्हारा ऐसा रखेंगे, तुम मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे, अगर तुम्हारे पास ऐसा सब कुछ होता तो जब आप कह रहे हैं ना जगत दीदी मुंह दिखाने लायक नहीं, तो आप तभी रख देती कि ये भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, थोड़ा सा मतलब माहौल शांत होने का तो नाम ही नहीं ले रहा।
और दीदी आके खुद खुद बोले तब तो कुछ चीजें समझ में आई, इसमें तो समझ में ही नहीं आता कितना गुड़ गोबर सब एक हो रहा, सब बिल्कुल एक हो रहा, कहीं कोई सी बात कहीं कोई सी। अरे ठीक है यार, वो लाइव में आ गए हंसते खेलते तो क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, उनके दोस्त वो खा लेंगे खाना, उनके मैनेज कर लेंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि सचिन मनी से ही अपने गेस्ट को मैनेज करें, उनकी मम्मी है, पापा हैं, देवरानी है, देवर है, सब लोग हैं, वो मैनेज कर लेंगे। इस चीज़ से अब आपको क्या प्रॉब्लम, आप तो पता नहीं कुछ ना कुछ निकाल निकाल के ला रही हो, आपसे कुल मिला के आप फेक बोल रही हो कि अच्छा है तुम दोनों संग में रहो, हमें नहीं लगता है, लेकिन आपके मन से है, क्योंकि आप लोगों के मन में बस यही था कि इनका अलग हो जाए, और शायद ये चीज़ मनीषा ने सचिन ने बोली भी थी कि तुम्हें यही चाहती थी कि हम लोग अलग हो जाए। तो दीदी किसी का घर ऐसे नहीं टूटना, आप एक का घर बसा रहे हैं तो दूसरे का टुड़वा भी रही हो, है ना, तो वो चीज़ भी देखो, वो भी घर है और ये भी घर है, ये बसा बसाया घर है और ये अभी बसा नहीं है घर। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट भी करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।